हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आनंदी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी बेबी केयर में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसका मसाज कैसे करें। मसाज करने के कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका पानी नहीं गिरेगा। यानी कि बहुत लोग हमसे ये सवाल ये भी पूछते हैं कि मैम, मैं किस तरीके से मसाज करूँ। मसाज करते हैं तो चुपचुपा पानी गिर जाता है, मेरा पैर अस्खलित हो जाता है, तो मसाज करने का तरीका बताएं। दूसरी बात की जो है, आपका चिपचिपा पानी जो गिरने लगता है ये समस्या भी नहीं होगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आप सबको ये भी कह देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के उद्देश्य से है, और इसका मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को ठेस पहुँचाना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और जानकारी देना है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि मसाज करने के कई सारे तरीके होते हैं। लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने टेक्निक से मसाज करते हैं, लेकिन वहाँ पे अक्सर लोग कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से आप लोगों का जो है पानी गिर जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हम आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्या करना है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट जो पेनिस होता है वो पहले स्किन के अंदर आप डालकर तब आप मसाज करें, क्योंकि स्किन के अंदर आप डालते हैं तो अंदर के जो ब्लड का संचार ग्रोथ अच्छे से होता है, और अंदर तेल डालना भी चाहिए, वो आपका अच्छे से रिपेयरिंग हो जाता है, समझ लो। जैसे कि कोई गाड़ी को अगर आप सर्विसिंग कराने के लिए लेकर जाते हैं तो उसके अंदर मोबिल, गिरिस ये सब क्यों डाला जाता है, ताकि वो अगर जाम है, अंदर से कोई प्रॉब्लम है, तो ढीला हो जाए और अच्छे से तेज़ी से दौड़े, एकदम साफ हो जाए। उसके रिपेयरिंग के लिए, उसके मतलब कि अच्छे के लिए उसमें तेल और मोबिल डाला जाता है ना। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को हमेशा यही सजेशन दिया है कि मसाज करने से पहले अगर अंदर आप तेल डालते हो तो आपके पेनिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक ये है कि जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे करके मसाज करते हैं, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि आपका पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या करना है कि मतलब कि आप अपने हाथों में जो ऑयल लगा रहे हैं, जो भी आप क्रीम ऑयल, जो भी आप मसाज कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपने हाथों में लगाने के बाद क्या, पहले अपने हाथों से पकड़ के इसे नीचे से ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर की तरफ लेके जाना है। कम से कम 2 से 3 बार करें, क्योंकि इतने में लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। इस तरीके से 2 से 3 बार ऊपर तक के लिए लेकर जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से ऊपर से पकड़ के नीचे लेके आएँ, घुमाते घुमाते लेके आना, इस बात को ध्यान दें। इस तरीके से ये हो गया दूसरा। और दोस्तों तीसरा जो बताने जा रहे हैं, तीसरा ये है कि आप एक अंगुली के सहारे से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। यानी कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है उस पर ऑयल लगाने के बाद अपने हाथ पे उसको सिर्फ ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं एक उंगली से, इस तरीके से। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ओनली फॉर ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे करना है, फिर नीचे से ऊपर, इस तरीके से करना है। नहीं गिर जाता है उसमें अगर मसाज करते हैं तो क्या सही रहता है क्या? देखिए, अगर ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय मसाज ना करें तो बेटर है, साफ करके थोड़े देर बाद आप मसाज करें। ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप रात में करके सोते हैं तो आपके, आपको भी रिलैक्स फील होगा और आपके प्राइवेट पार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आपका पेनिस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि उसको भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड होता है काफ़ी अच्छे से संचार होता है, इम्प्रूव होता है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से मतलब कि उसमें भी शक्ति एनर्जी मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेन पार्ट आपका तो ही होता है सारा काम करने के लिए, तो भी थकावट जैसे आप ज़्यादा काम कर लेते हैं थोड़ा सा ओवर हो जाता है थक जाते हैं, तो आपका कोई मसाज कर देता है, आपके हाथ पैर दबा देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर आप रोज़ अपने पेनिस का मसाज करते हैं तो ये आपके पेनिस को आराम मिलता है, ब्लड अच्छे से संचार होता है, उसकी थकान दूर होती है। अगर वहाँ पे नसें दबी हैं, सिकुड़ी हैं, या फिर उसमें चोट लगा है, सूजन है, तो ये सारी जो समस्याएं मसाज करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो अगर आप इन तरीक़ों से करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आई होप कि छोटा सा जो हमने टिप बताया आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।